नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान रीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए दोस्तों यहाँ पर आज जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका इतिहास स्टार्ट होने वाला है, राजस्थान का इतिहास। इससे पहले हमने दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट कर ली है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान का ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज के तहत। ये वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपका 94 वीडियो नंबर है, यानी कि 94 नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर 93 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की यानी कि प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। रेट वालों के लिए, चाहे आप वन रक्षक वनपाल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो दोस्तों यहाँ पर, SI की तैयारी करते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कवर करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास को हम तीन चरणों में कवर करेंगे दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्य राजस्थान का इतिहास, उसके बाद आधुनिक राजस्थान का इतिहास दोस्तों यहां पर इसमें कंप्लीट होंगे। और जिसमें जो कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों यहां पर देखिएगा, जो आपका सिलेबस तय किया है राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने, यानी कि ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहां पर। इस सिलेबस के तहत आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं। तो देखिएगा, यानी कि जो आज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्राचीन सभ्यता है, जनपद है, ये सभी इसमें आ जाएंगे, केवल राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद ये इतिहास कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहां पर यानी कि हम स्टार्ट करेंगे यानी कि भारत का इतिहास दोस्तों यहां पर। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इनके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर। आजादी से पहले यह क्षेत्र क्या कहलाता था? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल राइट है, राजपूताना कहलाता था दोस्तों यहां पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान को रामायण में किस नाम से संबोधित किया जाता था? आर्यव्रत, भार्यव्रत, या फिर मरुकांतर, या फिर राजपूताना? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मरुकांतर के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। एक बार वाल्मीकि आपको पता है जालौर क्षेत्र में आए हुए थे दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर रामायण के कुछ अध्यायों का वो यहाँ पर लिखित प्रमाण कर रहा था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रचना कर रहा था। तो उस समय यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम इसने मरुकांतर दिया था दोस्तों यहाँ पर वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी कि राजपूताने का अर्थ क्या है? बताइएगा अपनी भाषा में राजपूताने का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट है आपका, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यानी कि राजपूतों को स्थान, राजपूत का स्थान है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सर्वाधिक जो राजपूत रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं, और राजपूतों का स्थान है राजस्थान है दोस्तों यहाँ पर, राजपूताना है, रायथौन है दोस्तों यहाँ, ये नाम निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जॉर्ज थॉमस, या फिर कर्नल जेम्स टॉट, या फिर अलेक्जेंडर कनिंग, या फिर रीमा आहूजा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो एक देखिएगा, जॉर्ज थॉमस ने एक पुस्तक लिखी थी, ए मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किन स्थानों पर प्राचीन पाषाण काल की गुफाओं के अवशेष मिले हैं? बताना होगा, बैराटनगर जयपुर में, दर भरतपुर में, या फिर उपयुक्त में से दोनों स्थानों पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपयुक्त में से दोनों स्थानों पर यहाँ पर पाषाणकालीन की गुफाएं प्राप्त हुई है दोस्तों यहाँ पर, जयपुर के बिराटनगर में हुई थी, और देखिएगा दर आपको पता है भरतपुर में, यहाँ पर भी गुफाएं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान का पाषाण युग कितने कालों में विभाजित है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, या फिर उपयुक्त में से तीनों काल? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों कालों में विभाजित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टॉट, या फिर जॉर्ज थॉमस, या फिर हेरोडोटस, या फिर रीमा आहूजा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के लेखक कौन है? देखिएगा, अगर ये पुस्तकों का जो लिखित प्रमाण पूछे तो ये 1829 में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना है इसका सही आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉट के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों यहाँ पर। ये मेवाड़ और मारवाड़ जो रियासत थी उसका पॉलिटिक एजेंट था दोस्तों यहाँ पर ये।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 19वीं सदी का प्रथम इतिहास का जिन्होंने राजस्थान के सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्नल जेम्स ट्रॉट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के निम्न स्थानों पर लोह योगीन स्थल प्राप्त हुए थे, कहाँ पर प्राप्त हुए थे बताना होगा, रेड टोंक में या फिर विराटनगर जयपुर में या फिर नगर टोंक में या फिर उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थानों पर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो राजस्थान की सभ्यताएं स्टार्ट होंगी दोस्तों यहाँ पर, जिसमें दो पार्टों में राजस्थान की सभ्यता कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 19वीं सदी का प्रथम इतिहास का जिसने राजस्थान की सामंत व्यवस्था के बारे में लिखा था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह स्थान जो कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है राजस्थान में, बताइएगा बागौर या फिर कालीबंगा या फिर दर या फिर बैराट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बागौर। और ये बागौर कहाँ पर है, बागौर कस्बा कहाँ पर है, बागौर सभ्यता कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। देखिएगा राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य दो ही सभ्यताओं में मिले थे दोस्तों यहाँ पर, एक है तलवाड़ा बाड़मेर में है दोस्तों यहाँ पर और एक बागौर भीलवाड़ा में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा यहाँ पर राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा और आहार संस्कृति दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ था कहाँ पर हुआ था बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरस्वती द्वेष नदी घाटी के संगम पर हुआ था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का इतिहास कब इससे स्टार्ट हुआ था बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में जाने तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि राजस्थान में निम्न में से कौन से स्थान पर प्राचीन पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने है बागौर भीलवाड़ा डिडवाना नागौर नगरी चित्तौड़गढ़ या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी स्थानों से दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके कक्षा 6 से और 12वीं तक की पुस्तकों से उठाए गए हैं जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रेस बैंक में सभी प्रश्न मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहार संस्कृति का विकास हुआ था कहाँ पर हुआ था, आहार संस्कृति का विकास बनास नदी की घाटी में या फिर सिंधु नदी की घाटी में या फिर सोन नदी की घाटी में या फिर माही नदी की घाटी में। तो इसका करेक्ट आंसर है बनास नदी की घाटी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन स्थानों पर ताम्र पाषाण काल के स्थल मिले हैं बताना होगा, आहाड़ उदयपुर या फिर पुगल बीकानेर या फिर बुड्ढा बुष्कर अजमेर या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी स्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में है, तो बिल्कुल सही है आपका, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का वह स्थान जो कि हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है बताइएगा, कालीबंगा गणेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर बैराट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गणेश्वर। और ये गणेश्वर कहाँ पर है, ये सीकर में है दोस्तों यहाँ पर, कांचली नदी के किनारे पर है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यताओं को, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता है इनको तांबे की आपूर्ति करती थी दोस्तों यहाँ पर ये सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई थी कौन सी नदी थी, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों नदी थी, देखिएगा सरस्वती द्वेष नदी थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस नदी को रिंग वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, सरस्वती द्वेष्वती घग्गर या फिर चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सरस्वती नदी को कहा जाता है सबसे पवित्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस ग्रंथ में विदेही माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश में पूरब की ओर स्थानांतरण करने का विवरण मिलता है, देखिएगा ऋग्वेद में सामवेद में यजुर्वेद में या फिर सप्तप ब्राह्मण में,
तो इसका करेक्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सप्त ब्राह्मण, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरे यहाँ पर। क्योंकि देखिएगा ये जो क्षेत्र था ये जलवायु परिवर्तन होने के कारण ये क्षेत्र वीराना होता चला गया था दोस्तों यहाँ पर, और जो गग्गर नदी थी वो विलुप्त हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए जो यहाँ की जनता थी आम जनता थी दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर पूरब की ओर पलायन करने लग गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्त ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताना होगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिएगा ये सुरसेन जैसलमेर में ये सही नहीं है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जैसलमेर को कहा जाता है मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को, इच्छतपुर नागौर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, स्वर्णगिरी आपको पता है जालौर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, चंद्रावती आपको पता है आबू के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, ये उपनाम आपसे एक पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ का प्राचीन नाम है, बताइएगा इंद्रसेन या फिर प्रदेश इंद्रसेन प्रदेश या फिर चंद्रावती प्रदेश या फिर ब्रजनगर या फिर मांड प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर प्राचीन समय में झालावाड़ जिले को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, बताइएगा बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का या फिर सिख धर्म का या फिर यहूदी धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का केंद्र था। और देखिएगा जो अवंती है ये कहाँ पर है, ये उज्जैन में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना ये उज्जैन में है अवंती दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो मत्स्य है वो राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर, वो अवंती का जो कुछ भाग है वो राजस्थान में आता है दोस्तों यहाँ पर, मालवा के आसपास का जो क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवंती नरेश चंड प्रोदित किसका समकालीन था, महात्मा बौद्ध का, अशोक का या फिर समुद्रगुप्त का या फिर सिकंदर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महात्मा बौद्ध का था दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रोज क्लास अटेंड करते हैं, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने कक्षा 6 से 12वीं तक की पुस्तक पढ़ी है दोस्तों यहाँ पर और सारे क्वेश्चन वही मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितने भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, ढूंढाड़ मांड बल्लभनगर या फिर जंगल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था बीकानेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागौर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बूंदी में, जालौर में, भीलवाड़ा में या फिर राजसमंद में। तो इसका करेक्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पशुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांड प्रदेश के क्षेत्र का नाम है, मांड प्रदेश किस क्षेत्र का नाम है, ऑप्शन आपके सामने है पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर या फिर दक्षिणी राजस्थान उदयपुर या फिर उत्तरी राजस्थान श्रीगंगानगर या फिर पूर्वी राजस्थान धौलपुर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस इतिहासकार ने कर्नल जेम्स रोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था, बताना होगा इसका सही आंसर, डॉक्टर रीमा आहूजा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा या फिर मुंशी देवी प्रसाद या फिर डॉक्टर दशरथ वर्मा ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, बताइएगा किस लेखक ने कहा था, कर्नल जेम्स रोड ने कहा था या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था या फिर डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा था या फिर विजयदान देता ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर यहाँ पर दशरथ शर्मा ने कहा था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया था, कौन था राजा था, बताइएगा कौन सा राजा था, विराट था या फिर अजात शत्रु था या फिर माधव था या फिर जरासंध था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट राजा था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का राजा विराट की राजधानी विराट नगर थी, बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है जयपुर का दक्षिणी भाग या फिर अलवर के उत्तरी भाग में या फिर जोधपुर का दक्षिणी भाग या फिर जोधपुर का उत्तरी भाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि जयपुर का दक्षिणी भाग में दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, नागौर में, जैसलमेर में, जालौर में या फिर बाड़मेर में। ये भी सभ्यता पशुपालन का साक्ष्य दर्शाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बाड़मेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा जोधपुरा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जोधपुरा कर लेना इसको, इसका सही नाम देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको यहाँ पर जोधपुरा कर लेना। ये सभ्यता कहाँ पर है, किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में। तो इसका करेक्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। देखिएगा ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्राचीन क्षेत्र दे रखे है, तो यहाँ पर ये जिले का नाम दे रखा है, तो बताना होगा कौन सा जोड़ा यहाँ पर इसमें से गलत है। तो इसका बिल्कुल सही है, जो गलत ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा डोंडार जो क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास टोंक का यहाँ पर उत्तरी भाग कहलाता है। मालवा प्रदेश आपको पता है, बारा झालावाड़ क्षेत्र को कहा जाता है, गोपाल पाल, जी हाँ दोस्तों ये करौली क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा, ये कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन थे, काशी, मगध या फिर अवंती या फिर मत्स्य या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट है आपका अवंती और मत्स्य थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, बताइएगा कौन थी, मालव, अर्जुनायन या फिर योद्धे या फिर उपयोग सभी। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, मालव जो कि यहाँ पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ से कुछ जातियाँ राजस्थान की ओर पलायन करने लगी थी दोस्तों यहाँ पर, जिनमें से जो मालव जाति थी वो यहाँ पर चित्तौड़ के आसपास, झालावाड़ के आसपास में आके बस गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दूसरी जाति आई थी अर्जुनायन आई थी, ये कहाँ पर बस गई, ये करौली और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में, कुरुक्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में ये बस गई थी। इसके बाद योद्धे आए थे दोस्तों यहाँ पर, ये कहाँ पर बस गए थे, ये बस गए थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अपना गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उनमें ये आके बस गई थी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त सभी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, जांगल प्रदेश, बल्लभ प्रदेश, योद्धा प्रदेश या फिर विराट प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन और है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है निकल के। तो दोस्तों आ गया है, बताइएगा, देखिएगा राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबू बैराट लघु शिलालेख संबोधित करता है, किनको संबोधित करता है, पुरोहितों को, आम जनता को या फिर राज के कर्मचारियों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने राजस्थान के गणराज व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है हूणो ने किया था दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, RAS पुलिस, RTS और RPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, है निशांग फाइयान या फिर इतिसंग या फिर ससांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भीनमाल की यात्रा की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, बताना होगा दोस्तों यहाँ पर, 647, 649, 648 या फिर 650 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, बताइएगा, प्रभाकवर्धन ने, हर्षवर्धन ने या फिर राजवर्धन ने या फिर अशोक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों इट बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नल जेम्स ट्रॉट मूलतः किस देश का निवासी था, वेल्स, यूके का, जर्मनी का, ब्राजील का या फिर ब्रिटेन का। तो इसका करेक्ट है आपका वेल्स, यूके का निवासी था दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान में पॉलिटिक एजेंटी करता था दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में राजस्थान का नाम दिया था, बताइएगा, मरुकांतर, राजपूताना या फिर मारवाड़ या फिर आर्यव्रत। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मरुकांतर दिया था, जी हाँ दोस्तों। एक आता है ऋग्वेद में, जी हाँ दोस्तों ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है बाहर्यव्रत मिलता है दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद में राजस्थान का नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कर्नल जेम्स ट्रॉट रियासतों का पॉलिटिक एजेंट था, कौन कौन सी रियासतों का पॉलिटिक एजेंट था,
तो आप बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पर यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ का ये पॉलिटिक एजेंट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेवन एर्थ होने के बाद राजस्थान के इतिहास के बारे में यानी कि ये अध्ययन करने लगा और इसने अपनी पुस्तकों का प्रकाशन करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर RVSE रीट एग्जाम 2021 के लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहड़ सभ्यता किस नदी पर विकसित थी? बताइएगा, बनास नदी पर, लूनी नदी पर, या फिर चंबल नदी पर, या फिर बाणगंगा नदी पर? तो इसका करेक्ट है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। वैसे तो देखिएगा जो अहड़ सभ्यता अहड़ नदी पर भी विकसित थी और बनास नदी पर भी विकसित थी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आपको पता है अहड़ नदी आकर मिलती है बनास में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है तो दीजिए इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर पहचानिए कौन सा सही है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 तक इनकी यहाँ पर खोज की थी और खुदाई की गई थी 1961 से स्टार्ट की गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काले रंग की चूड़ियाँ का संबंध किस सभ्यता से है? पीलीबंगा सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, अहड़ सभ्यता से, या फिर कालीबंगा सभ्यता से? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपकी सीरीज का, यानी कि अहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? राजसमंद में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, या फिर झुंझुनू में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उदयपुर में है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बिलीज बताएगा कि ये 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर जरूर बताइएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो 95 नंबर का वीडियो आएगा, जिसमें यानी कि राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1 देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर इतिहास में। तो ये आपका देखिएगा राजस्थान का इतिहास दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने अभी कंप्लीट किया है राजस्थान का प्राचीन इतिहास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि 95 नंबर वीडियो आएगा राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 सभ्यताओं का, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 1, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको पता है चौहान वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, यहाँ पर सभी वंशों का यानी कंप्लीटली अध्ययन किया जाएगा, यानी कि पांच पार्टों में किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो राजवंश है वो। उसके बाद 1857 की क्रांति आपकी कंप्लीट किया जाएगी, उसके बाद राजस्थान के प्रजामंडल कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद राजस्थान के किसान जनजाति आंदोलन, उसके बाद राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया जाएगा। एकीकरण कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की राजव्यवस्था जो कि आपको 3 चरणों में यहाँ पर कंप्लीटली की जाएगी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर रेट वाले स्टूडेंटों के लिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपका पूरा सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, इस सिलेबस के तहत आपकी तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर एक एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी RVSE की बुकों में है सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए, अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, धन्यवाद।